द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जी जाओ पूजा के लिए पुष्प ले आओ। अर्जुन जी बोले ठीक है सरकार। अर्जुन जी फूल तोड़ने के लिए वाटिका में गए, कदली नाम के वन में। कदली वृक्ष का मतलब केले के पेड़। केले के बड़े बड़े पेड़ों के बीच में श्री हनुमान जी बैठे। हनुमान जी महाराज तो सीताराम नाम का कीर्तन कर रहे थे, इतने में अर्जुन जी ने फूल तोड़ लिए तो हनुमान जी कूद करके आ गए। अरे भाई कौन हो? महाराज हम हैं अर्जुन। अर्जुन जी ने, अच्छा भाई पुष्प बिना पूछे क्यों तोड़ लिए? पूछना तो चाहिए। अर्जुन जी बोले पूजा के फूलों के लिए भी क्या पूछना पड़ता है? हनुमान जी बोले देखो भाई जब हम हैं तो पूछने का तो धर्म है। अच्छा ये छोड़ो, नहीं पूछा तो विचित्र बात है, कोई बात नहीं, ये बताओ किसकी पूजा करनी है? बोले भगवान कृष्ण की। किसने मंगाए? बोले भगवान कृष्ण। हनुमान जी हंस के बोले तल ले जाओ। अर्जुन जी चौंक के हंस क्यों रहे? अब जाने क्यों दिया? बोले हमें हंसी इसलिए आ गई, विनोद करने लगे हनुमान जी। बोले हंसी हमें इसलिए आ गई कि जैसे तुम्हारे भगवान वैसे ही तुम, जिंदगी भर चोरी करत रहे सो तुमने करी, कौन सी नई बात, ले जाओ ले जाओ। अर्जुन जी को बड़ा बुरा लगा। अर्जुन जी बोले वाह हम नहीं, हम जाएंगे। क्यों? अच्छा जो बताओ तुम जिंदगी भर राम 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 राम, तुम्हारे राम जी ने क्या किया? हनुमान जी को बड़ा मजा आने लगा। चलो जो बढ़िया लो, कम से कम जी फर्स्ट तो गए। हमारे राम जी ने क्या नहीं किया ये पूछो। अर्जुन जी बोले क्या किया? इतने बड़े अगर तुम्हारे राम जी बलवान होते तो बाण को पुल्ला बना देते, बंदरन से पथरा ढुआ उतरे, बानर भालुओं से पत्थरों का काम करवाते रहे जिंदगी भर। हनुमान जी बोले तुम बना सकत? अर्जुन बोले हाँ बना सकते। हनुमान जी बोले राम जी बाणों का पुल बना सकते थे लेकिन भारी सेना का बाणों के पुल से निकलना मुश्किल है। अर्जुन बोले चाहे जैसी सेना हो हम बाण हम पुल बना देंगे, चाहे जितनी सेना निकाल दो। हनुमान जी बोले तुम सबकी तो छोड़ो, राम जी को एक ही बाणर अगर निकल जाए तुम्हारे पुल के ऊपर तो फिर हम मानिए। अर्जुन जी बोले शर्त लगी? हनुमान जी बोले तैया। शर्त क्या लगी? श्री हनुमान जी बोले अगर हम पुल को तोड़ दिए वजन से तो। अर्जुन जी बोले अगर आपके चलने से पुल टूट जाएगा तो हम प्राण त्याग दें, अगर नहीं टूटा तो। श्री हनुमान जी बोले अगर नहीं टूटा तो आप जो कहोगे हम वो करेंगे। बाण की वर्षा श्री अर्जुन जी ने की, विशाल काय पुल बांध दिया और पुल बांध करके बोले हनुमान जी पुल तैयार है। तो हनुमान जी बोले राम जी का बंदर भी तैयार है। अर्जुन जी से हनुमान जी बोले एक बार और सोचो। अर्जुन जी बोले सोचना क्या है, वचन के पक्के क्षत्रिय हैं हम, कह दिया तो कह दिया। हनुमान जी उत्तर दिशा की तरफ गए, श्री हनुमान जी महाराज। श्री हनुमान जी ने हजार योजन को शरीर बनाओ, अब बनाओ सो तो ठीक है, रोम रोम में एक एक योजन को पत्थर बांध लो। हनुमान जी जब उत्तर दिशा से आए सो अर्जुन की आंखें में मच गई, अंधियारों मच गो, सूर्य भगवान लो डूब गए। अर्जुन ने नीचे से ऊपर लो देखो सो मो देखा ही नहीं पाए हनुमान जी इतने बड़े। अर्जुन जी को दिमाग खराब हो गो के जो का है। अर्जुन से बोले तैयार हो? अर्जुन बोले तैयार है। आंखें बंद हो गई और आंखें जैसे ही बंद हुई सो आई हनुमान जी ने पैर रखा सोई धनुष का पुल टूट गया, धस गया, पता ही नहीं चला, स्वाहा हो गया। हनुमान जी मुड़ के देखे बोले काय भैया कहाँ गाओ तोरा पुल? अर्जुन जी बोले वो तो गाओ, अब पुल भी नहीं बचा है, वो पुल बांधने वाले भाई नहीं बचेंगे। हनुमान जी बोले मतलब? बोले अब हम मरेंगे। हनुमान जी बोले जिंदगी कीमती होती है, मरो ना। अर्जुन जी बोले कैसे ना मरो, वचन के पक्के हैं। आग लगाने लगे। हनुमान जी बोले हे भगवान जा और अच्छी आफत फंसी जा। हनुमान जी बोले मरो ना हम काऊ ना बता भी। अर्जुन जी बोले तब क्या हुआ, हम क्षत्रिय वचन के पक्के हैं, हम नहीं मानेंगे, हम मरेंगे। अब हनुमान जी प्रार्थना करने लगे कहूं अर्जुन जी सही में ना मर जावे। जैसे ही प्रार्थना की सोई हमारे ठाकुर जी ने लीला की। क्या लीला की? भगवान ब्राह्मण का भेष बन के आ गए। ब्राह्मण बन के आए, अर्जुन जी आग ही लगा उतना है जलवे के लाने। बोले काओ जजमान भोजन बना रहे का? अर्जुन जी बोले भोजन नहीं पका रहे, भोजन पकावे ही बारो पक रहो। क्यों? आप ही बताओ ब्राह्मण देवता, क्षत्रिय को वचन का पक्का होना चाहिए कि नहीं? बोले भगवान बोले नहीं होना चाहिए। बोले आखिर हुआ क्या है? बोले हमने वचन दिया था कि अगर हम पुल बांधेंगे और अगर हम हार गए तो प्राण त्याग देंगे। भगवान बोले तो फिर अब प्राण त्याग, अब देर ना करो, जल्दी त्याग। हनुमान जी बोले जी और भाई साहब खतरनाक आ गए, कछु देर जी मानते भी सोए ना तपवा ले। हनुमान जी बोले कम से कम गम तो खाओ, पूरी बात तो सुनो, उनके प्राण ना चले जाने, तुम तो कह दे ब्राह्मण बने। भगवान बोले नहीं 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 देर मत करो, अगर वचन दो तो त्याग। ठाकुर जी बोले अच्छा जो बताओ, बोले बांधा किसने? अर्जुन जी बोले हमने, तोड़ा किसने? बोले जो जो भाई साहब खड़े। भगवान ने भी जब रूप देखो सो, लेकिन भगवान तो चतुर। भगवान बोले अच्छा जो तो ठीक है,
लेकिन एम्पायरी की नहीं करे, शर्त तुम्हारी तुम्हारी, पर हिसाब किताब करने वाला कोई तीसरा होना चाहिए। तुम दो ही जन निकल रही हो, एक जन मरे जा रहे हैं, कोई तीसरा हो देखने वाला रहा कोई। हनुमान जी बोले वही तो हमने यहाँ कही। अब हनुमान जी इतना संतुष्टि आई के बचे जा। तो भगवान बोले अच्छा एक काम करो, फिर से बनाओ, दोबारा बनाओ। और हनुमान जी से कहा तुम चलो, अगर टूट जाएगा तो हम हिसाब किताब कर देंगे, जवाब दे देंगे, प्राण त्याग। हनुमान जी बोले चलो 20 मिनट सही। लेकिन अर्जुन जी बोले सुनो, जिस रूप में आए थे उसी रूप में आना। अर्जुन ने फिर से बाण चलाया, पुल बनाया, हनुमान जी उत्तर दिशा में गए। अर्जुन जी ने जब दोबारा देखो कि फिर से हजार योजन एक एक रोम में बड़े बड़े पारवा बांधे, पहाड़ सीधे चट्टान। अर्जुन जी बोले अबे तो मन नहीं है तो मैं भी मारे जाने कौन बचने, कौन पुल टिकने आए, का इस बार हमने कौन सीमेंट मसा कर दाओ, बाणों का ही तो पुल है, लगता फिर टूट जाएगा। अर्जुन जी को शरीर कपन लगो के अब नहीं बचने, तेरे ही हो जाने। अरे हाथ छोड़कर भगवान को ध्यान अर्जुन करने लगे, हे ठाकुर ब्रज के संकट के लिए तो आप तो एक गिरधारी बने जी, हजार गिरधारी आ रहे इनसे बचाओ। हनुमान जी भी मन ही मन सोचने लगे कि बच जाएं, लेकिन पुल पर जैसे ही पैर रखा सो दबन लगो। ब्राह्मण की तरफ अर्जुन जी देखे, बोले अब नहीं बचने यहाँ, चलो जाने। भगवान बोले तुम तो हाथ जोड़े रहो, कछु नहीं होने। भगवान गए और जैसे ही पुल दबने वाला था, टूटने वाला था, सोई हमारे ठाकुर जी कच्छप बन करके अपनी पीठ लगा लेते हैं और पुल को साध लेते हैं, हनुमान जी को पार करा देते हैं। हनुमान जी पार हो गए। अर्जुन ने जब आंखें खोली सो पुल ज्यों को त्यों, भाई साहब बिल्कुल पार हो गए। हनुमान जी बोले अब बढ़िया रहा। लेकिन हनुमान जी ने देखो के भी ब्राह्मण देवता कहाँ गए, जब नीचे ढूंक के देखो आ रहा जी तो कछुआ बने बैठे। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले निकरे आओ, हम पहचान गए आप छलिया हो, निकरे आओ। भगवान आयो, भगवान कृष्ण बन करके प्रकट हो गए। अब अर्जुन जी जीत गए, अर्जुन जी जीते। सो अर्जुन बोले अच्छा तो अब हम बताएं क्या करना है। भगवान बोले अबे नहीं रुको रुको, इन्हें बेटिंग में रखो, अबे इन्हें काम मत बताओ। क्यों? बोले अभी नहीं, जब काम में आएंगे तो हम बताएं। भगवान ने हनुमान जी पर कृपा की, अब चले गए। इधर धीरे धीरे महाभारत के युद्ध का समय आ गया। भगवान समझ गए अब युद्ध होगा, तो अर्जुन से कहा अर्जुन जी अब युद्ध के बिना काम नहीं चलना है, अब हनुमान जी को बुलाओ, वो जो वचन दिया था जो हम कहेंगे वो करेंगे, अब वचन निभाओ। अर्जुन भगवान कृष्ण हनुमान जी के पास आए, कहा आपने जो शर्त हारी थी अब उसको पूरा करना है। हनुमान जी बोले आज्ञा करो। अर्जुन जी बोले सरकार बताओ क्या मांगना है। भगवान कृष्ण बोले अर्जुन राम अवतार में हमारा युद्ध इनके बिना पूरा नहीं हुआ था, और कृष्ण अवतार में भी हमारा युद्ध इनके बिना पूर्ण नहीं होगा। अर्जुन जी बोले इनकी क्या जरूरत है, क्या हम कम है? भगवान कृष्ण बोले कम तो हम भी नहीं थे, फिर भी हमें इनकी जरूरत पड़ी। हे अर्जुन समुद्र पार कौन करता अगर हनुमान जी ना होते।